नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। 26 मई 2022 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं और हम बात करेंगे आज सुबह के संचित पांचांग की। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए। और उससे पहले हम आप बात करेंगे इस L6 लॉकेट की। ये L6 का जो लॉकेट है, इसमें 3 रत्न लगे हैं। ये 3 चमत्कारी रत्न भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन था उसके जैसे काम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन का क्या काम था? पापियों का नाश करना, तकलीफों का नाश करना। तो ये जो कवच है पापियों का, तकलीफों का, ग्रहों की परेशानियों का नाश करेगा। और आप जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन ने सारे युद्ध जीत लिए थे। तो ये कवच आपके पास होगा, ये लॉकेट आपके पास होगा, तो दुनिया में जितनी भी लड़ाई और परेशानियां हैं उसको आप जीत लेंगे। भगवान श्री कृष्ण में अगर आप यकीन रखते हैं तो यकीन मानिए ये कवच आपके काम आएगा। इसको पहनिए, ऑर्डर करिए। L6 लिखकर 1750 रुपये कीमत है। जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कष्ट दूर हो जाएंगे। धन दौलत सुख सुविधाएं दौड़ती चली आएंगी, सफलताओं के आप मालिक होंगे। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेर शुभकामनाएं। मेष राशि, आज पूर्णता का दिन है। विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे। यदि आप लोग व्यापारी हैं तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। आज आप खूब मेहनत कमाएंगे। आपको किसी जगह से रिश्ता आ सकता है। अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है, उसकी बात तय हो सकती है और आपके रिश्ते भी अपने जीवन साथी से मधुर बने रहेंगे जिनकी शादी पहले हो चुकी है। आप राजनीतिक जीवन में जो है जा सकते हैं। सामाजिक जीवन में आज आप बहुत फेमस रहेंगे, लोगों के बीच में उठना बैठना होगा। आप बहुत ज्यादा आयात निर्यात वगैरह कर सकते हैं। विदेशी कार्य का जो व्यापार है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से जुड़े हुए अगर आपको कोई काम है तो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए काम, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप फंस जाएं नंबर 2 का पैसा अपनी जेब में लेने से। क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे भी गलत काम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप तो ईमानदार होंगे लेकिन कोई और दूसरा बेईमान आपको अपनी बेईमानी में फंसा कर दोषी बना सकता है। तो घर के साजो सामान में आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, जरूरत का पैसा खर्च करना है और पूरा फोकस अपने काम, अपनी स्टडी, इन सब पर ही रखना होगा। वृषभ राशि, आज आपका उत्साहवर्धन किया जा सकता है। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी होगी, आपका खर्चा बढ़ सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहें वरना आपके पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। जीवन साथी से नाराजगी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद होगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं और इधर उधर अपना टाइम पास करेंगे। यात्रा पर जाएंगे जो कि अच्छी नहीं होगी, कष्ट होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने प्रिय मित्रों की कही हुई जो बातें हैं उनसे खुद को उबारने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपके किसी मित्र ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, आपको उससे इतने गिला शिकवा नहीं करना है, आपको अपने मित्र को माफ कर देना है। और जीवन साथी के भरपूर प्रेम की वजह से, उनके सहयोग की वजह से आपकी नौकरी भी शीघ्र लग जाएगी और आप जब अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाए, टाइम स्पेंड करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आप अधिक धन कमाएंगे, आपके चिर परिचित सपने पूरे होंगे। आज आप जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में होंगे। आपको भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने भविष्य की रूपरेखा बना पाएंगे। आज आप घर से ही काम कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत ही जल्द आपको ऑफिस जाने की खबर मिल सकती है। आपको आपके जूनियर की सहायता लेनी पड़ सकती है। फिजूल खर्चे कम होंगे, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। किसी सवाल का जवाब आप ढूंढने के लिए आप अपने माता पिता के पास जा सकते हैं और अब वो आपका सवाल का आंसर देंगे और आप तरक्की करेंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। आज आप अपने अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा, उनसे बातचीत होगी काम के सिलसिले को लेकर। व्यापारी वर्ग के लिए व्यवसाय का और आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित रहेगा। आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। आज की स्थिति थोड़ी सी गंभीर दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य को लेकर। आज आप थोड़ा थका थका महसूस करेंगे। यात्रा लाभ नहीं होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन
आपको मजा नहीं आएगा, यानी तकलीफ में ही दिन बीतेगा, और बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है बस मूड खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी लेकिन आप उसका भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। बात करेंगे सिंह राशि की। आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिवस है। आपकी संतान उन्नतिशील प्रगतिशील होगी। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। यह समय आप शेयर मार्केट पर निवेश में लगा सकते हैं। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आनंद में बीतेगा, यानी अच्छा रहेगा। आज आप अपने स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। मन में उत्सुकता जागृत रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। अपने गुस्से में काबू रखें, फिर चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो, गुस्सा कंट्रोल में रहना चाहिए। मानसिक शांति के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। घूमने फिरने में पैसा खर्च होगा, कहीं ऐसा पैसा मत खर्च कर दीजिएगा जिसका पछतावा बाद में हो। तुला राशि। आज आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को मित्रों से, सगे संबंधियों से रिश्ते आ सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यह समय प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत ही अच्छा है। आज कोई फैसले लिए जा सकते हैं प्रेम संबंध में। जीवन साथी को उपहार मिल सकता है और या उपहार दे सकते हैं। आप अपनी सेहत का समुचित ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर आपके लिए आनंद प्राप्ति का दिन होगा। सुख सुविधाएं जुटाने का दिन होगा। आज आप चुनौतियों का सामना करेंगे। अपने साहस और संगठित कार्य के बल पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जिंदगी में आपके बॉस का सहयोग मिलेगा, आपके सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक रहेगी। भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आप पैसे का लेन देन का काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल के करिएगा। आज आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार में किसी बड़े की तबीयत बिगड़ने से थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। कन्या राशि की बात करेंगे। आज आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। आज आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। सावधानी पूर्वक गाड़ी वाहन चलाइएगा, दुर्घटना हो सकती है। भावुकतावश कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आज आपके बच्चों का सहयोग आपको मिलेगा। आज का दिन सुनहरे पलों को लेकर आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आप विश्वास जीत सकते हैं। मजबूती आएगी। आपकी वाणी में ऐसा कुछ होगा जिससे आप दूसरे का दिल जीत लेंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बुटीक का काम करने वाले लोग, फैशन इंडस्ट्री का काम करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। लव मेट के साथ वक्त बिताएंगे। वृश्चिक राशि। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में लाभ होगा। आपके अध्ययन कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। व्यापार आगे बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं, आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आपके सामने आ सकती है। आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट काम में मिल सकता है। अचानक से खर्चों का बोझ सर पर आ सकता है। आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में फैसला लिया तो परेशान हो जाएंगे। धनु राशि की बात करेंगे। आज आपका दिन प्रसन्नतादायक बीतेगा। आपके बच्चों की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है। आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे। आज आप जुए या सट्टेबाजी में जीत सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है। आज आप अपनी ऊर्जा अपने उद्योग अपने कामों में लगाएंगे। नौकरी करने वालों को उन्नति मिलेगी। आज का दिन शानदार है। आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे। आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। मन में नई चीज़ों को जानने के बारे में उत्सुकता रहेगी। आज आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता पाएंगे। आज आप घर पर ही रहकर क्या कहते हैं कुछ अच्छा भोजन का आनंद लेंगे, या आपको कुकिंग आती है तो आप कुछ अच्छा पकाएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे। जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बिताएंगे। अब बात करेंगे मकर राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत ही प्रसन्नतादायक उल्लासपूर्वक रहेगा। आप सभी के साथ तालमेल बना के रखिएगा। आपको गुप्त प्राप्तों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई प्लॉट या मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। आपको आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। पूरे दिन आपके अंदर समर्पण का भाव होगा। आप दूसरों के हितों के लिए काम करेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपकी अतिरिक्त आमदनी का रास्ता भी खुलेगा। आज आप अपना जो आपा है मत खोइएगा। जीवन साथी का प्रेम मिलेगा। गुस्से में जुबान पर कंट्रोल रखिएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो आज कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप अपनी हिम्मत से जो भी मेहनत करेंगे उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका का दिन अच्छा रहेगा। किसी व्यापार में निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। म्यूचुअल फंड या किसी भी इस तरीके की चीज़ों में पैसा न लगाएं जहां पर आपकी जानकारी कम हो। आज आपके काम में लोगों की दखलंदाजी होगी। वैवाहिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप परेशानी पैदा करेगा और
आज आपको कहीं से पैसा मिल सकता है, आज आपसे कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, आज आपका मन दुखी रह सकता है, और आज आप ये देखिएगा कि आज आपके अपने ही आपको परेशान कर सकते हैं, बिजनेस में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है, सावधान रहिएगा। मीन राशि की बात करेंगे तो आज आपके लिए संग्रह करने का दिन है, आज आप कुछ चीज़ें जोड़ पाएंगे, इकट्ठी कर पाएंगे, आप घर नए घर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय उत्तम है, घर परिवार में मेहमानों का प्रवेश होगा, आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत लेंगे, छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए शुभ समय है, आप किसी विपत्ति या तनाव से मुक्ति भी पा सकते हैं, कोई विवाद निपटाना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको मौके मिलेंगे, आज आपके सितारे बुलंद हैं, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, ऑफिस का कार्य आप घर पर पूरा करके व्यस्त और मस्त रहेंगे, शाम को पार्टी वगैरह कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत में पैसा लगा सकते हैं, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, लव मेट के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। ये था आप सभी राशियों का राशिफल। तो उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका भगवान गणेश की कृपा से बहुत अच्छा बीतेगा और भगवान हनुमान की कृपा से और भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। आज के दिन आपको एक उपाय करना है, आज के दिन एक पीले कपड़े में आपको थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा केसर और क्या कहते हैं थोड़ा सा आप ये केला या आम, जैसे आजकल सीजनल फ्रूट हैं केला और आम जो पीले फल होते हैं, 1 किलो आम ले लीजिए, थोड़ा सा 1 दर्जन या आधा दर्जन केला ले लीजिए या हल्दी भी ले लीजिए, इन सब चीज़ों को एक पीले कपड़े में बांध कर आप अपने किसी घर के पास वाले मंदिर में दान दे दें, बहुत अच्छा होगा, या कहीं लंगर वगैरह हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जाकर इन चीज़ों का दान दे देने से भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। यानी कि आप हल्दी का दान करें, चने की दाल का दान करें और इन सब चीज़ों का दान करें, पीली चीज़ों का, आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।